दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी जोर पकड़ रही है। केंद्र सरकार और दिल्ली की बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर भी लगातार निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराने पर सरकार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रदूषण तो पंजाब और हरियाणा में होना चाहिए। वहीं आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से कई सवाल भी किए हैं। दिल्ली सरकार ने अगर ये समय से रहते, 7 वर्ष हो गए दिल्ली सरकार को, और इन्होंने 2018 के अंदर दिल्ली विधानसभा में ग्रीन बजट पेश किया था और उस ग्रीन बजट का उद्देश्य था कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम किया जाए। उसमें 26 पॉइंट के अनाउंस किए थे जिसमें उन्होंने कहा था हम स्मोक टावर लगाएंगे। आज तक सिर्फ एक स्मोक टावर लगाया दिल्ली सरकार ने। उन्होंने कहा था लास्ट मील कनेक्टिविटी करेंगे, बैटरी व्हीकल्स करेंगे और भी मेजर्स लेंगे, लेकिन उनमें से कोई अमल में नहीं आया। आखिर एग्जीक्यूशन का रोल जो है वो दिल्ली सरकार का है, जो उन्होंने समयबद्ध तरीके से नहीं किया, ठोस तरीके से नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे नहीं किया। देखिए, जहां तक दिल्ली सरकार की नीतियां हैं, इनकी यही नीति है, करना कुछ नहीं है, दोषारोपण करना है कि मीटिंग बुलाया नहीं जा रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, एमसीडी काम नहीं कर रही है, पंजाब के किसान खराब हैं, पंजाब के किसान जो हैं वो पराली जला रहे हैं। तो भैया, आपको क्यों चुना गया था? आप सरकार में क्यों हैं दिल्ली में? और यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने तो बार बार कहा, आज राजनीति का विषय नहीं है। इसी प्रकार का उत्तर सुप्रीम कोर्ट में भी दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से उनको आड़े हाथ लिया कि ऑडिट कराएं क्या, 40,000 versus 16 crore rupees, आप सोचिए 40,000 rupees में ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने निकले थे और 16 करोड़ रुपए दिखावा, पराली जितना काम और फसल जितना इनका दिखावा है, तो स्वाभाविक है जनता पूछेगी सवाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।